Students, today this is the first topic of civics in this session. Before this topic, we were discussing about the first topic of economics, which is very, very new for you all, the students. And today it is first topic. That topic is democracy in the contemporary world. समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी वर्तमान समय में लोकतंत्र का परिदृश्य, लोकतंत्र विश्व में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, कहां तक इसका फैलाव हुआ है, विस्तारीकरण हुआ है, इसके बारे में, और फिर लोकतंत्र भिन्न भिन्न राष्ट्रों में लोकतंत्र का स्वरूप किस प्रकार का है, इन बातों पर हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा देश है चिले। यह चिले एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर लोकतंत्र तो स्थापित है, किंतु वहां का जो परिदृश्य रहा है उसके बारे में इस टॉपिक में आप सब देखेंगे, जानेंगे कि पहले 1970 से पहले यहाँ जो सरकार थी उस सरकार से बिफोर 1970 वहाँ की जनता न खुश थी, किंतु उसी असंतोष का परिणाम था कि एक सोशलिस्ट पार्टी के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे जिसका नाम था सल्वाडोर आयंदे, पूरा नाम या आयंदे शॉर्ट नाम है सल्वाडोर आयंदे, क्या मैंने लिखा है सल्वाडोर आयंदे, इन्होंने सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठाई थी, सरकार की नीतियों, सरकार की विभिन्न क्रियाकलाप गतिविधियों से वहां की जनता नाखुश थी, और यही कारण था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन बू आने लगी। पूर्व की जो सरकार 1970 से पूर्व की जो सरकार थी वो सेना, लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट समर्थित सरकार थी, इसलिए जन सामान्य जनता विभिन्न गठबंधन के माध्यम से सोशलिस्ट पार्टी के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे अल सल्वाडोर आयंदे, इन्होंने यूनिटी कॉलिशन गठबंधन के माध्यम से जबरदस्त तरीके से 1970 में चुनाव लड़ा था और आह्वान किया था देश की जनता के बीच विभिन्न पार्टियों में, रैलियों में, अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम विशेषकर गरीब तबके के लोगों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम को अपना कर लागू करके तमाम वो सुविधाएं प्रदान करना चाहेंगे जो अब तक वहां की जनता को प्राप्त नहीं होती। नतीजा यह हुआ कि 1970 में जो चुनाव हुआ उसमें सल्वाडोर अलेंडे की भारी बहुमत के साथ जीत हुई। सल्वाडोर अलेंडे चिले के राष्ट्रपति बने और विभिन्न पार्टियों रैलियों में जो चर्चा चली थी आश्वासन दिया गया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, दैट पॉलिसीज एंड प्लानिंग विल बी फुल्ली सपोर्टिंग टू ऑल वर्कर्स, ऑल लैंडलेस पीपल, ऑल poor people. So he started those type of policies and planning that was declared in different conference and parties before election. So उन्होंने गरीबों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क दूध उपलब्ध कराने का कार्य प्रत्येक परिवार को प्रारंभ किया। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया, परिवर्तन किया, रिफॉर्म, ही रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। फिर जमीन धान एवं आय का जो असमान वितरण था उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया। ऑल दोज पीपल हु वेर लैंडलेस ही स्टार्टेड, हियर ही मींस द प्रेसिडेंट ऑफ चिले अल सल्वाडोर अलेंडे, सल्वाडोर अलेंडे स्टार्टेड डिफरेंट programs, land reform was also one of them. So, all those people who were landless, he started the redistribution of land. It means he provided that poor and landless people land from those people who were landlord. गरीबों को, भूमिहीनों को, जो जिनके पास की जमीनें नहीं थी, जमींदार वगैरह से जमीन लेकर के उनके नाम से आवंटित शुरू करवा। नतीजा आप कल्पना कर सकते हैं, किन्हीं की जमीन, किन्हीं की जायदाद, किन्हीं की संपत्ति सरकारी आदेश से यदि औरों को दे दिया जाए, गरीबों को दे दिया जाए, तो शायद दुनिया में इसे कम ही लोग देखने को मिलेंगे। अपवाद में कोई उदाहरण हो सकता है जो सामान्य तरीके से वो अपनी संपत्ति को गरीबों के बीच में बांट दे। इसलिए ऐसे जमींदार वर्ग के जो लोग थे वो लोग सख्त खफा हो गए आइंदे राष्ट्रपति से, सरकार से जबरदस्त
विरोध शुरू हो गया। उधर सैनिकों का जो अधिकार था उसके अधिकारों पर नियंत्रण कर दिया गया, अंकुश लगा दिया गया, अधिकारों में भी कटौती कर दी गई और सुविधाओं में भी कटौती कर दी गई। फिर जो कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्टों ने के भी विरुद्ध सरकार की नीति होने के कारण वे सारे लोग भी खफा हो गए, चाहते थे कि किसी विधि से सरकार गिर जाए। उधर पड़ोसी अमेरिका भी सख्त खफा थे, अमेरिकी सरकार भी खफा थी वर्तमान सल्वाडोर आयंडे के कार्य क्रियाकलाप से। उन्होंने भी इंटरनली ऐसे विद्रोही तत्वों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आर्म्स मनी सप्लाई, ताकि विद्रोह हो जबरदस्त तरीके से हो सकता का, यानी सत्ता परिवर्तन हो जाए। नतीजा ये हुआ कि जनरल अगस्तो जो सैनिक प्रमुख थे, प्रधान थे, उन्होंने नौसेना अड्डा पर कब्जा कर लिया। वहां के सैनिक प्रमुख को भी कैद कर लिया और राष्ट्रपति अल सल्वाडोर आयंडे को चेतावनी दी, आदर यू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट और लीव फ्रॉम द कंट्री, या तो आप अपने पद से इस्तीफा दें या फिर देश से बदर हो जाए, यानी बाहर चले जाए। सल्वाडोर आयंडे समझ रहे थे कि आने वाला समय में क्या होगा। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि न तो मैं रिजाइन करूंगा और न ही मैं देश से बाहर जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि वायुसेना के जो चीफ थे उन्होंने विरोध किया था, अल्बर्टो बिसेले, ये उच्चारण वगैरह ध्यान में रखेंगे, इसको हम बिसेले कहेंगे, तो उनको भी नजर बंद कर लिया गया, उनकी पत्नी तक को गिरफ्तार कर लिया गया, बेटियों को गिरफ्तार, बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके समर्थित है सेनाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी यातनाएं दी गई, 3,000 से भी ज्यादा लोग वो मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों हजार का कोई अता ही पता नहीं चलने दिया गया। जनरल अगस्तो, जनरल सल्वाडोर आयंडे जो राष्ट्रपति थे, उनको पता चल गया कि अब हम चूंकि रिजाइन करेंगे नहीं, न बाहर जाएंगे तो हमारी मृत्यु तय है। उन्होंने आह्वान किया देश की जनता के नाम रेडियो के माध्यम से कि देशवासियों, मुझे पता है कि भारत चीले का भविष्य उज्ज्वल है, किंतु क्योंकि यहां के मेहनत कश मजदूर के बल पर आने वाला समय जो होगा वो इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, पूर्ण आजादी होगी,
मेहनत बेकार नहीं जाएगा। मुझे पता है कि मैं कुछ ही समय तक यहां हूं, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वह मेरे लिए जीवन और मरण का के बीच का होगा, यानी कब हमारी हत्या हो सकती है कहना कठिन है। इसलिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, तो वही आपकी पुस्तक में इस लेसन में दिया हुआ है, द वर्कर ऑफ चिले से संबोधित किया है। और सही में बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति भवन को भी चारों तरफ से सैनिकों के द्वारा घेर लिया गया और वार किया गया, किंतु वो डटे हुए थे, न रिजाइन किए और न ही देश से बाहर हुए। नतीजा हुआ बम्बार्डिंग शुरू हो गया और फिर उसमें उनकी मौत हो जाती है। फिर ये जो जनरल थे अगस्तो पिनोसे, ये अल्बर्ट बिसेले है, ये जनरल अगस्तो पिनोसे है। तो ये पिनोसे ने क्या किया, तो मिलिट्री कॉप्ट के माध्यम से 1973 में, यानी तीन ही वर्ष बीता था 1970-73, सैनिकों के बल पर जबरन जबरन सत्ता परिवर्तन किया। इसी को कहा जाता है मिलिट्री कॉप, याद रखेंगे। तो 1970, ये 11 सितंबर की बात है, 1973 की बात है, यानी केवल और केवल लगभग तीन वर्ष ही सरकार कार्य कर पाई और अंततः बलपूर्वक जबरन कब्जा करके उस पर शासन करना शुरू कर दिया और स्वयं चिले का राष्ट्रपति अपने को घोषित कर लिया। जनरल भी यानी सेना भी काफी चीफ हो गए और वहां का शासक भी। पाकिस्तान वगैरह में कई ऐसे उदाहरण घटना घटती रही है। खैर, तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे उसके बाद क्या होता है। और अंततः आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे जानेंगे कि अंततः ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। बलपूर्वक शासन तो किया गया, लेकिन मालूम है कि लगभग 17 वर्षों के बाद इन्हें लगने लगा कि अब हमारे प्रभाव में यहां की जनता आ गई है और विश्व बिरादरियों के द्वारा निंदा और आलोचना के कारण इन्होंने निर्णय लिया कि अब चुनाव करा, चूंकि सारी परिस्थितियां अनुकूल है, इसीलिए पुनः राष्ट्रपति बनना मेरे लिए संभव है, आसान है। इसलिए 1988 में जब चुनाव हुआ, 17 वर्षों के बाद देश की जनता भूली नहीं थी और परिणाम ठीक विपरीत आया, यानी बुरी तरह से इनकी हार हुई और पुनः लोकतंत्र कायम हुआ। यानी निष्कर्ष में यह हुआ कि बलपूर्वक भले ही तात्कालिक कुछ कालखंड के लिए शासन सत्ता आदि पर नियंत्रण कर लिए, कब्जा कर लिए, किंतु अंततः देश की जनता क्या की, तो ये जो मिलिट्री कॉफ था, सैन्य शासन था, इसको वह क्या किया, तो वहां अपदस्त कर दिया, यानी कि उनको परास्त करके एक निर्वाचित राष्ट्रपति वहां पर पुनः चुने गए। आपको याद होगा ये जो बिसेले हैं, जो एयर चीफ थे, इनकी बेटी आगे चलकर चुनाव में भारी मतों से जीती और राष्ट्रपति भी बनी। और बाद के कालखंड में कई बार परिवर्तन भी हुआ, लेकिन लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार से परिवर्तन हुआ।
तो इस तरह से निष्कर्ष यह हुआ, मतलब देयर आर टू स्टोरी इन दिस टॉपिक. वन स्टोरी इज इंडिकेटिंग लास्टली पीपुल आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. आई वॉन्टेड टू क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स. यानी अंततः लोकतंत्र ही कायम हुआ, इस प्रकार की बात है, इस कथा से प्रमाणित हो जाती है. तो अगले दिन हम मैं चर्चा करेंगे दूसरे उदाहरण पर, पोलैंड का उदाहरण लेंगे. तो आज की कक्षा में इतना ही. धन्यवाद.